एक गांव में गब्बर नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बंडी पर दही भरा आलू दम बेचा करता था। उसके लिए पहले तो वो अपनी बंडी को धक्का मारकर गांव में लाता था। उस बंडी में एक बर्तन में दही में डुबाए हुए वड़ा हुआ करते थे, एक और बर्तन में आलू करी हुआ करता था और साथ ही साथ चाट मसाला इत्यादि सामान भी थे। फिर वो उन वड़ा को निकालकर एक बर्तन में डालकर उसके ऊपर आलू करी डालकर दूसरे चाट आइटम्स डालकर मसाले डालकर आने वाले लोगों को देता था। लोग खाकर स्वाद को खूब पसंद करते थे। एक वाह क्या स्वाद है भाई, पता नहीं वो वड़ा कैसे बनाते हो लेकिन पूरा स्वाद उसमें है, यूं कहा। तब दूसरा, हाँ ये स्वाद बाहर और कहीं नहीं मिलता है, ये राज अपना गब्बर भाई जितना भी पूछने से थोड़ी बताएंगे, इसलिए किसी के जाने बगैर वड़ा घर पर ही बनाकर आते हैं, क्यों गब्बर भाई, यूं कहा। तो गब्बर मुस्कुराकर चुप रहता था। कुछ फूड ब्लॉगर्स भी आकर वीडियो निकालते थे, गब्बर का इंटरव्यू भी लिए। गब्बर, महाजन आप वीडियो निकाले मेरा इंटरव्यू भी ले, लेकिन मेरा वड़ा बनाने का तरीका उसके बारे में मत पूछिए, असल में तो ये दही भरा आलू दम इतना स्वादिष्ट होने की वजह ये वड़ा ही है, वो बनाने की विधि मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, यूं कहा। एक बार एक फॉरेनर फूड ब्लॉगर गब्बर के बंडी के पास आया। वो, हेलो गब्बर जी, मेरा नाम है पीटर, मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, मैं देश विदेश में घूमकर वहाँ मिल रहा आहार का रुचि देखकर वो वीडियो मैं अपने चैनल में डालता हूँ, मेरा चैनल का नाम है ईट विद पीटर, मैं आपके पास जो दही आलू दम मिलता है उसके बारे में सुना, मैं चख सकता हूँ क्या, वीडियो निकाल सकता हूँ क्या, यूं कहा गब्बर। यस यस निकालिए निकालिए, कहकर प्लेट दिया। पीटर वीडियो निकालते हुए वो खाया, फिर कैमरा गब्बर के पास रखकर, वाह गब्बर जी ये स्वाद तो बहुत अमेजिंग है, आप इसमें जो वड़ा डाल रहे हैं वो तो बहुत स्वादिष्ट है, आप कैसे बनाते हैं हमारा दर्शकों को दिखाएंगे क्या, यूं कहा गब्बर। स्वादिष्ट है यूं कहने के लिए धन्यवाद, ये हमारा पूर्वजों से आने वाला व्यापार है, आखिरकार ये पूरा स्वाद उन वड़ों को बनाने का तरीका में है, वो राज है, इसलिए ये वड़ा घर पर बनाकर आता हूँ बिना किसी को दिखाए, कृपया करके ये बनाने की विधि के बारे में ना पूछिए, यूं कहा पीटर। अरे बस कहने से क्या होगा, मेरा सब्सक्राइबर्स आकर यहाँ बंडी शुरू कर देंगे क्या, कम ऑन मैन बताइए प्लीज, यूं कहा गब्बर। अरे मैं नहीं बता सकता हूँ कह रहा हूँ ना, जबरदस्ती मत कीजिए, यूं कहा पीटर बिना छोड़े। अरे टेक इट इजी मैन, कम ऑन यू कैन टेल इट, Come on man, tell me how to do that. यूं कहा गब्बर तुरंत पीटर का कॉलर पकड़कर, ए कह रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, सुबह सुबह आकर दिमाग खराब मत करो रे, फॉरनर को मारने पर अच्छा नहीं होगा सोचकर रुक गया, जाओ यहाँ से व्यापार के बीच में मत आओ, बड़े आए ईट विद पीटर ईट विद पीटर, यूं कहा। इससे पीटर को बहुत गुस्सा आया, तब वो मन में, ये क्या बहुत ओवर कर रहा है, इसका वड़ा बनाने का विधान क्या है मेरा चैनल में दिखाना ही होगा, यूं सोचा। उस शाम को गब्बर बंडी लेकर जा रहा था तो वो चोरी छिपे उसका पीछा किया, उसका घर पता लगाया, अगली सुबह ही पीटर गब्बर के घर तक आ गया, खिड़की के पास कैमरा लेकर तैयार खड़ा था, अंदर किचन में एक कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था, वहीं पर वड़े का घोल तैयार था। तब गब्बर बिना शर्ट के चड्डी में आया, वड़ा का घोल लेकर उसके बगल में डालकर दबाकर तेल में डाल रहा था, बस वो देखकर पीटर, Oh my God! Oh crap! This is crap! वड़ा का स्वाद का कारण ये था! Oh my God! यूं सोचा, फिर पीटर को चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गया।